आज हम JEE 2025 के बारे में बात करेंगे और हम डिस्कस करेंगे तीन सुपर टिप्स जो आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगी। शुरू करने से पहले JEE 2025 कोर्स पे आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। टुडे इज द लास्ट डेट टू अवेल इट, ठीक है। तो केवल 5,000 रुपीज़ में आपको एक कोर्स मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ 10,000। तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक से जाके इसको एक्सेस करना मत भूलना, डिटेल्स और बताऊंगा एंड में। तो सबसे पहली चीज टिप जो मैं दूंगा वो ये है कि अब आपको धीरे धीरे अपना एक टेस्ट पैटर्न बिल्ड करना होगा। इसका मतलब क्या है? तो देखो, अभी तक हम टेस्ट दे रहे थे, नहीं भी दे रहे थे, ज़्यादा सिलेबस भी नहीं आता था, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपकी क्या टेस्ट की स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेन, जो आप फॉलो करोगे एग्ज़ाम के दिन, कि पहले मैं ये वाला पेपर अटैम्प्ट करूँगा, फिर मेरा ये वाला पेपर रहेगा, इतने राउंड्स मेरे रहेंगे, इतना टाइम से ज़्यादा नहीं देना है क्वेश्चन को, राइट। अगर कुछ इमरजेंसी हो गई, लेट से फिजिक्स हार्ड आ गई बहुत ज़्यादा ही, ठीक है, और आप फिजिक्स सबसे पहले अटेम्प्ट करते हो, तो हम क्या करेंगे? केमिस्ट्री हार्ड आ गई तो क्या करेंगे? मतलब इस तरह के सीनेरियोस और उनसे टैकल करने के तरीके, और एक मेन स्ट्रेटजी कि अगर पेपर एज यूजुअल आया तो क्या स्ट्रेटजी से आप टेस्ट देंगे, और अपने आप को टेस्ट के सरप्राइजेस से अवेयर करना और टेस्ट के सरप्राइजेस के साथ आप कैसे बैटल कर सकते हो, ये सीखना, ये आपको धीरे धीरे डेवलप करना होगा। मैंने देखा है कई लोग ये नहीं करते हैं, कई लोग बस अपने किताबों में घुसे रहते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन लगाए रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दिन कैसे परफॉर्म करना है इसके बारे में उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं होती। और ये मैंने बहुत कॉमन बिहेवियर देखा है। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इन दी एंड आप एक एग्ज़ाम दे रहे हो, आप अपनी किताबों को पढ़ के अपने आप को स्मार्ट प्रूव नहीं करवाना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि एग्ज़ाम के दिन आपके बेस्ट मार्क्स आएँ। और एग्ज़ाम के दिन तब अच्छे नंबर आएंगे जब आप एग्ज़ाम की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है। तो अभी तक तो आपका ज़्यादा सिलेबस वगैरह कुछ हुआ नहीं था, तो अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं था इतना, लेकिन अब आपका 75% लगभग सिलेबस हो चुका है जेई का कवर, राइट। तो अब आपको धीरे धीरे जो भी टेस्ट है उनमें एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी, और कोशिश करो ये स्ट्रेटजी आप मैक्स टू मैक्स सितंबर एंड तक फाइनलाइज कर लो कि यार मैं इस पर्टिकुलर सिक्वेंस में पेपर अटैम्प्ट करूँगा, करूँगी मैं इस पर्टिकुलर तरीके से चलूँगा, और अगर पेपर हार्ड आ गया तो ऐसा कुछ करना है। ये चीज़ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, काफ़ी हेल्प होगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जिससे आपके मार्क्स काफ़ी बूस्ट होंगे। दूसरी चीज़ कि अब आपको 4-4 घंटे की सिटिंग एटलीस्ट दिन में 2 करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जेई के दिन आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, और एग्ज़ाम से पहले और बाद की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उसमें आपको आधा पौन घंटा और बैठना पड़ता है सीट पर, ठीक है, आपको कंप्यूटर टेबल पर और बैठना पड़ता है। तो यदि आपकी हैबिट नहीं है उस चीज़ करने की, तो एग्ज़ाम में बहुत अनईजी फील होता है। मतलब ये सुनने में बड़ा अजीब पॉइंट लगता है कि अरे हाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम आप देते हो ना तभी आपको समझ में आएगा कि 3 घंटे की सिटिंग किसको कहते हैं, वो भी एक प्रेशर सिचुएशन में, राइट। और जेई एडवांस में तो आपको 6 घंटे बैठना होगा, राइट। तो ये चीज़ों की आदत आपको अभी से डालनी होगी, और 4-4 घंटे के स्लिट सिटिंग आवर्स किया करो जिसमें आप 4 घंटे लगातार पढ़ रहे हो। इससे एक तो पढ़ाई भी ज़्यादा होगी, मतलब एक तो है कि आप 1-1 घंटे पढ़ के ब्रेक ले रहे हो वर्सेस आप 4 घंटे पूरे घुसे हुए हो किताब में। आप देखना आप उस 4 घंटे में इतना कुछ सीख के निकलोगे ना, क्योंकि पहला आधा 1 घंटा तो वार्म अप होता है केवल, उसमें हम केवल पढ़ाई के मूड में आ रहे होते हैं, फिर 3 घंटे जो पढ़ाई होती है ना एकदम सट सट चीज़ें समझ में आती है सब चीज़, मतलब एकदम समय एकदम स्लो गुजरता है, बहुत चीज़ें होती है, राइट। तो थोड़ा सा एक सिटिंग आवर्स अपने आप 3.5-4 घंटे ही करके देखो, दिन में 2 सिटिंग आवर्स मेरे हिसाब से होने चाहिए, और हो सके तो एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में ही कर लेना। एक स्लॉट हो सकता है आपकी कोचिंग में चला जाता हो इन 4 घंटे के स्लॉट्स में से, कोई बात नहीं, बट एक एटलीस्ट आप अपनी तरफ से करिए, और हॉलीडेज़ के दिन 2 से 3 आप करने की कोशिश करिए। 3 हो तो बहुत अच्छा है, 3 का मतलब है कि आप दिन में 11-12 घंटे पढ़ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, बट कोई बात नहीं, अगर इतना कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, 2 आपको एम करना चाहिए, और 1 तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मत करना कि आपकी हैबिट ही नहीं है 3 घंटे बैठने की और आप एग्जाम देने चले गए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अब आपको धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन के गैप्स फिल करने हैं। देखिए तो भले कोई भी बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसकी प्रिपरेशन में गैप्स होते हैं जो उसको पता होते हैं। आपको पता है आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे कमज़ोर है, आपको पता है कि मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है और क्यों है, आपको ये पता है कि यार आपके जो जो चैप्टर्स कमज़ोर है वो कहाँ पे एग्जैक्टली कमज़ोर है और क्यों कमज़ोर है, राइट। स्पेशली ये जो बच्चे जो थोड़े अच्छे होते हैं ना प्रिपरेशन में, उन पे ये पॉइंट ज़्यादा वैलिड होता है कि जिनकी प्रिपरेशन लेट से अच्छी चल रही है उनके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि देखो जिसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही उसके लिए तो बहुत ज़्यादा गैप्स होते हैं, तो आपका तो मेन पोर्शन ही फिल करना बच्चा है, राइट। लेकिन जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी ठीक चल रही है उनके ज़्यादा गैप नहीं होते, छोटे छोटे गैप्स होते हैं, लेकिन ये आपको फिर जेई एडवांस में स्पेशली काफ़ी सताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वो उनको पता होता है एडवांस वालों को कि भाई यहाँ पे बच्चे ज़्यादा अटकते हैं तो उसी पे क्वेश्चन भी डाल देते हैं, राइट। और वो ऑप्शन भी डाल देंगे गलत वाला कि भाई इस बच्चे को अगर नहीं आता होगा गलत करके -2 चिपका के आएगा, राइट। सो थोड़ा सा प्रिपरेशन में जो छोटे छोटे गैप्स हैं, जो छोटे छोटे आपको मिस्टेक्स लगती हैं कि यार स्पीड थोड़ा सा कम है उस पर वर्क करो, एक्यूरेसी थोड़ी कम है वर्क करो उस पर, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके सही नहीं बैठता है उसको सही करो, ऐसे धीरे धीरे फिक्स करो चीज़ें, तब जाके रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। तो ये तीनों पॉइंट्स फॉलो करें आपकी बहुत अच्छी रैंक डेफिनेटली आएगी। पहला पॉइंट क्या कि अब आपको टेस्ट स्ट्रेटजी धीरे धीरे डेवलप करनी है एक, और उसको मास्टर करना है, ठीक है।
दूसरा पॉइंट ये कि अब आपको आवर्स थोड़े बढ़ाने होंगे और 3 से 4 घंटे की सिटिंग एटलीस्ट दिन में एक तो होनी ही होनी चाहिए, और प्रेफरेबली दो या तीनों तो बेस्ट है। और लास्ट कि अब आपको अपने प्रिपरेशन में जो छोटे छोटे गैप्स हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करके उनको फिल करना है और अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल फुल प्रूफ कर देनी है। किसी भी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए आपके नाव में कि भाई एग्जाम के दिन डूब जाओ आप, राइट। सो दैट वॉज द वीडियो। और हेल्प चाहिए हो तो मेरा JEE 25 कोर्स का आज लास्ट डेट है ऑफ डिस्काउंट, 25th of July। डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उससे आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं फॉर जस्ट 5000। JEE एडवांस तक ये कोर्स चलेगा और ये कोर्स स्पेशली अभी के टाइम के लिए काफ़ी रिलेवेंट है क्योंकि इसमें आपको पूरा जो कंटेंट है बहुत ही शॉर्ट और एकदम सिंपल वे में समझाया गया है। तो आपको रिविजन या बैकलॉग्स फटाफट क्लियर करनी है उसके लिए बेस्ट चीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे नहीं किया गया कि बहुत घंटों घंटों तक बातें किए जा रहे हैं, राइट। क्या क्या टॉपिक्स हैं चैप्टर में, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या उनके सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है, इस पर मेनली फोकस है। तो काफ़ी टू द पॉइंट चीज़ है और काफ़ी टाइम सेविंग वो कंटेंट रहेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, DPP ये सब तो उसके अंदर इंक्लूडेड है विद कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देख लेना, काफ़ी मतलब वर्थ इट इन्वेस्टमेंट लगेगा आपको। आप इसको लेके पूरा पढ़ोगे ना, आपको लगेगा यार कि काफ़ी कुछ सीख के मैं इससे निकल रहा हूँ, ठीक है। सो यू कैन टेक इट, बट टेक इट टू नाइट ओनली, कल से फिर इसकी रेट बढ़ जाएगी। और बाकी आपको और रिसोर्सेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे फ्री नोट्स वगैरह सब लिंक है, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।